से पहले कई तरह की अफवाहें चली। उस घटना को मैं याद नहीं करना चाहता, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, मेरे लिए मेरे जीवन से ज़्यादा जन जन का जीवन बहुत कीमती है। मुझे यहाँ डायरेक्टरेट गया था, वहाँ मुझे उन्होंने चेक किया, मुझे बोलने लगे, हम निकलने लगा तो बोलने का आपको कोविड के संकेत हैं कि आपको कोविड हो गया है। मैंने तुरंत ही अपने स्टाफ को, लोगों को कहा आप दूर रहिए, ऐसा कुछ कहा है, और आप देखिए, कल रखिए, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। ऐसी सूरत में अगर मुझे कोविड हो गया है तो मैं लोगों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता, मेरे लिए कोई MLA लड़ना बड़ी चीज़ नहीं है। और मैंने कहा शायद मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊँगा, उस तरह की कैसी चीज़ी बातें बनाई। ना मैं किसी चीज़ से डरता हूँ, ना कुछ ऐसा करता हूँ जिसको कोई दल, पार्टी, देश का नेता, कितनी एजेंसी, दुनिया की कोई, मुझे किसी की कतई परवाह नहीं है। और मैं हमेशा कहता आया हूँ, मैं किसानों के, जब किसानों पे जुल्म हुए, किसान और मजदूर सड़कों पर बैठा था, जब 700 लोग रोज दम तोड़ रहे थे, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र कार्यकारिणी में था और MLA था। मैंने अपने हाई कमान को कहा, स्टेट को, प्रेसिडेंट को कहा, स्टेट के CMO को कहा कि आप इन किसानों के बारे में सोच लीजिए। अगर आप अपने मन की बात राष्ट्र को रोज़ संबोधन कर देते हैं तो 2 मिनट इन देश के किसान मजदूरों की बात सुन लीजिए। अगर ये किसान वो जो दिल्ली में बैठा है, इनको पीड़ा है, इनको लगता है कि उनको किसानों का बर्बाद हो जाएंगे, काले कानून आएंगे, अगर ये हित में है तो आप उन्हें समझा दीजिए, 2 मिनट का संबोधन दे दीजिए, उनको छोटी कर दीजिए कि ये बिल आपके भले में है, बुरे में नहीं है। नहीं हुआ, मरते रहे किसानों को, पहले जान जाती रही, फिर किसानों को रौंदने का शुरू कर दिया। इस तरीके से भाजपा ने जिन लोगों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, और ख़ासकर मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कहूँगा, मुझे लगता था कि पूरे किसान मजदूर जन जन ने भाजपा में एक उम्मीदें जताई और कहा, उन्होंने बड़े बड़े मोटे वादे किए लेकिन खोखले निकले। आज उत्तर प्रदेश का, जब मैं किसानों की लड़ाई में देश में गया, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश गया, तो किसानों में हर वर्ग में नाराज़गी थी और बदलाव की आगाज हो रहा था कि बदलाव चाहते हैं। मैंने कोई किसी इस बारे में कहना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि इस प्रदेश में आज चंद लोगों की सरकार रह गई है। सरकार सबकी होनी चाहिए, सभी लोग सरकार बनाते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता, मुझे अब ऐसा लगता है कि गठबंधन जो बना है, अपने आप में एक नया गठबंधन का शुरुआत हुई है, उस गठबंधन से एक मैसेज देने का कोशिश की है अखिलेश जी ने और जयंत चौधरी ने और हमारे गठबंधन के बड़े नेता हैं, कि देश में ये 4 लोगों की सरकार ना होके आम जन की सरकार बने। गठबंधन की सरकार को पूरे देश में, पूरब से पश्चिम तक और पश्चिम से पूरब तक, ये मैसेज देने की ज़रूरत है। हर आदमी, हर दलित, हर गरीब, हर शिक्षित, जितने भी वर्ग हैं, वो सब ये कह सकें हमारी सरकार है। आज मुझे, मैं बड़ा स्पष्ट लफ्जों में कहना चाहता हूँ, इस देश में बताए कि भाजपा का कोई नेता खड़ा होकर कि कोई ये कहे कि हमारी सरकार है, लोगों की सरकार है, किसी का कोई नहीं, कुछ नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है, किसी की कोई वजूद नहीं है। मेरा ये कहना है कि जनता ने ये आज़ादी बड़े मुश्किलों से मिली थी हमें, और वोटिंग राइट हमको बहुत बड़े कुर्बानियों के बाद मिला था। वोटर्स पर ज़बरदस्ती करना, यहाँ मौजूदा जो विधायक है, मैं कहूँगा कि BJP से कम लोग नाराज हैं, व्यक्ति विशेष से इतने भयंकर नाराज हैं। मुझे झूठ सांस बोलने की राजनीति आती नहीं है, मैं तो सेवक रहा हूँ सारे जीवन, किसान का, मजदूर का, गरीब का, हितैषी रहा हूँ। छोटी सी उम्र में मैं गृह मंत्री बनकर मेरी शुरुआत हुई थी, छोटी सी उम्र में।
मैं एक बार रहा एमपी, दो बार रहा, तीन बार रहा, हरियाणा से रहा, फिर मेरठ से रहा, लेकिन मैंने किसान और मजदूर और गरीब की बात कही है हमेशा। मैं नहीं समझता कि इस सरकार में जहां 100 से ज़्यादा अधिक सीटें पश्चिम में पहली बार मिली थी भाजपा को, हर किसान ने मजदूर ने बड़ी उम्मीदों से इनको जिताया था, इन्होंने इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा करी, इन्होंने अब ये सोचते थे मथुरा खराब कर देंगे, वो मुजफ्फरनगर में करके जीतने का काम कर गए थे। अब जनता इस उत्तर प्रदेश का जन जन जागरूक है, नहीं मथुरा में ये कराते जो मुजफ्फरनगर में कराया था। अब इन चीज़ों में नहीं आएंगे, देश को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, बच्चों को शिक्षा चाहिए, उनका विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। क्या हुआ, कितने दिन से बोलते आ रहे लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, जेवर एयरपोर्ट की शक्ल की तस्वीर चाइना एयरपोर्ट की दिखाई जा रही थी, कितने झूठे थे ये। जब हम जमीन पर आए और हमने देखा तो वह लोग जिनका घर उजाड़ दिए गए थे, जिनके गांव उजाड़ दिए गए थे, वो लोग अब उनके बच्चे छत के बिना बैठे थे और वो मटेरियल को इकट्ठा कर रहे थे, तंबुओं में अपनी रात गुजार रहे, ठिठर रहे थे। ऐसे होता है सरकार, हमारी ज़मीनें ले ली। अगर कहीं बड़ा डेवलपमेंट्स होता है, कहीं सरकार की बड़ी नीति पॉलिसीज होती हैं, तो वहाँ दिया जाता है ज़मीन, लेकिन हमारे बच्चे एक ऑर्डर पास करते, चार यहाँ पहला डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का कि जिस डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर ज़िले में चार अथॉरिटीज़ हैं, तार मेरे ख्याल उत्तर प्रदेश में दूसरा कोई ज़िला नहीं है और इम्पोर्टेंट है। उनको कहा था लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, वहाँ से आएगा, फिर कहेंगे लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा। रोज़गार जब मिलेगा, जब काम शुरू होगा। हमारे बच्चों पर तलवार लटका दी इन्होंने, प्रशासन और शासन दोनों को कह दिया है या तो वो अपना तौर तरीका बदल दें, निष्पक्ष यहाँ चुनाव कराने की ज़रूरत है, जनता जिसे चाहेगी वो जीतेगा। अगर जनता का उन्होंने भला किया है तो वो जीतेंगे, उनको चिंता किस बात की है। अगर जनता को मैं भला लगूंगा तो मुझे जिताएंगे, जो अच्छा है उसको जिताएगी जनता, तो जनता पर छोड़ दिए ना, फिर ज़बरदस्ती क्यों हो रहा है। मेरा एक आपसे और यहाँ का मैं कभी जातिवाद और किसी समाज के नहीं, सभी समाजों का सम्मान किया हमेशा, लेकिन मेरे समाज को मेरा कहना है कि अगर मैं गलती करता हूँ तो आप मुझे गाली दे सकते हैं, मुझे आप बुरा कह सकते हैं, लेकिन मेरे समाज को नहीं दे सकते आप गाली। हम अगर वो एक विधायक कहीं कोई बोलता है उसके पीछे ठाकुर लगता है तो मैं कहता हूँ खबरदार, जैसे मेरे पीछे गुजर लगता है उनके यहाँ ठाकुर लगता है, मैं बोलता हूँ उसका नाम लेकर बोलेंगे। समाज कोई बुरा नहीं होता, सब समाज अच्छे होते हैं। हमने सदैव समाजों का सम्मान किया है, हमने सीखा है, हमारे माँ बाप ने सिखाया है इसको, ब्राह्मणों का आशीर्वाद, गऊ की पूजा, ब्राह्मण की पूजा, गरीब की पूजा, उसका सहयोग, यही सब कुछ सीखा हमने। तो मैं अपने आप से कहूँगा, यहाँ अगर मैंने लिखे है और कहूँगा, यहाँ का कहीं देखा है आपने किसी प्रदेश, आप एक एग्जांपल दे दीजिए कि उत्तर प्रदेश के या देश के किस सूबे में है जहाँ बड़े उद्योग लगते हैं। फरीदाबाद बड़ा उद्योग नगर है, मैंने उसकी 30 बरस सेवा की है, बड़े उद्योगों का डेवलपमेंट्स किया है वहाँ, रोजगार के लिए पहले से देख लीजिए 40% नौकरियाँ जिनकी ज़मीन जाती थी उनको दी जाती थी, और इनको कह दिया 200 किलोमीटर के एरिए का, जिस एरिए की ज़मीन गई उनकी, उनके बच्चों को नौकरी का अधिकार नहीं। हमारे इस क्षेत्र के बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या गोरखपुर जाएंगे, वो गोरखपुर में हमें रोज़गार देंगे, जब उद्योग हम यहाँ लग रहे हैं, ज़मीनें हमारी जा रही हैं, तो नौकरी भी रोज़गार हमें चाहिए ना। अगर इन लोगों ने यहाँ एक वार चलाते हैं, बोलते हैं अरे योगी ठाकुर है, 24 करोड़ लोगों का मुख्यमंत्री है, किसी एक समाज का नहीं है, उसे दादरी में जो घटना घटी शर्मनाक थी, और हमारे मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद खड़े थे, वो क्या राजपूतों की बात कर रहे थे, वो राजपूतों के मुख्यमंत्री थे, उन्हें कहना चाहिए था कि महीर भोज को
अपमानित करने का तुम्हें कोई हक नहीं, उनको डांटना चाहिए था। मैंने भी आके डांटा ना अपने समाज को, ए मैंने कहा संयम बरते, खबरदार अगर इससे आग नहीं, उत्तेजना भड़क सकती थी, नुकसान हो सकता था सभी समाजों का, लेकिन मैंने रोका ना। अब मैंने कहा अपने समाज में, अंबेडकर जी ने कहा था अब राज गोली से नहीं मिलता, डंडों से या तलवारों से नहीं मिलता, वोट की चोट से हुआ है। अब कहा है मैंने कि अगर किसी ने ललकारा है तो उसको मुझे नहीं ललकारा, समाज में ललकारा तो वो समाज उसका जवाब देगा और वोट की चोट से देगा। अगर उन्होंने हमको ललकारा है तो हम तो अंग्रेजों की ललकार नहीं सही, हम तो फांसी चढ़ गए थे, लेकिन हम राष्ट्रभक्त हैं, हमसे बड़ा कोई बलिदान देने वाला, कश्मीर की घाटी से लेकर हमने राष्ट्र की कुर्बानियां दी हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं। निश्चित तौर पर गठबंधन की सरकार बनेगी और गठबंधन की ऐसी सरकार होगी जो शायद आज तक पहली बार होगी, ऐसी सरकार बनेगी जिसको हर चौक पर, हर जिले के हेडक्वार्टर पर खड़ा होकर लोग नारा लगाते पाएंगे, हमारी सरकार है, हमारी सरकार है। अब लगवाई किसी को कहेंगे अपनी छाती पर हाथ रखकर, बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े, छोटे छोटे नेता, जिले से तहसील से लेके राष्ट्र लेवल का नेता कहे खड़ा होकर कि मेरी सरकार है, कब आओ किसी से मेरे सामने। मैं बोल रहा हूँ फिर आप बात को, आप मोदी मीडिया तो नहीं है, मैं कह रहा हूँ आप, मैंने स्टार्ट ही यहाँ से किया कि मैं सेक्रेटरीट में कलेक्ट्रेट की भी मेरे लोग, अगर ऐसा है तो मैंने कहा आप यहाँ कह दीजिए लोगों को कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, अगर ऐसा हुआ तो मैं लोगों की जान जोखिम में नहीं डालना चाहता, एमएलए के लिए लोगों की जान जोखिम में डालूँ, मैं तो ऐसी बीमारी है जिससे देश जूझ रहा है, दुनिया जूझ रही है, उस बीमारी का होने के नाते मैं अपने किस सूरत में चुनाव लड़ता, मैं बिल्कुल नहीं, नहीं ऐसी सूरत में नहीं कहा मैंने, अरे नहीं भैया सुन तो लो दोस्त मेरे, मैंने कहा अगर मुझे कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट है तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ इलाज कराने के लिए, शायद इस सूरत में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जब मैं वहाँ गया उन्होंने कहा नेगेटिव है, आपको पॉजिटिव के कोई संकेत है ही नहीं। मैं सुनिए, इस देश में बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी नहीं है ना, मोदी और अमित शाह से बड़ा कोई नहीं है ना, मैंने उनकी परवाह नहीं की, उनके इस्तीफा उनके मुंह पे फेंक के चलाया था मैं, वो आदमी हूँ अवतार सिंह भड़ाना मेरा नाम है, पीछे भेज के देख ले वो भाजपा बड़ा लीडर हिंदुस्तान के उन ईडियो से बहन जी डरा सकते ना, बहन मायावती को डरा के बैठा सकते, अवतार सिंह भड़ाना को कोई नहीं डरा सकता, वो सारी एजेंसी इनकम टैक्स सेल टैक्स मेरे घर भेज दे। सरकार बनाने के वक्त में 17 में मैं पूरे समाज से, क्षेत्र से, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं स्टार प्रचारक था, अमेठी सुल्तानपुर में वोट मांगी, अमित जी ने मेरी ड्यूटी लगाई, जब लोगों को हमने भरोसा दिया, सब लोगों को, समाजों को, किसान को, मजदूर को, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, उत्तर राज बनने के बाद तो सब बदल गए, किसी किसान की मजदूर की कोई सुनाई होती नहीं वहाँ। मैंने 3 साल पहले इस्तीफा दिया दोस्त, अब मेरे अगर इनमें इतनी हिम्मत थी मेरा इस्तीफा मंजूर करके देखते ना, मैं स्पीकर को भी दे के आया था, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी को भी देख कर आया था इस्तीफा, और स्पीकर को लिख के देखा है, मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी था, मुझे हटा देते, मैंने कोई खुशामद की उनको, मैं आज तक मोदी जी को और अमित जी को और कि तुम्हें किसी को नेता समझा ही नहीं मैंने, लेकिन उन दोनों ने मैंने आज तक फोन पे बात नहीं करी, हो सकता है बात से लोग बात करते होंगे। सर आपका भ्रमण चल रहा है, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सीधा सीधा लग रहा है कि जेवर से आप पूरी तरह से एक तरफा दिख रहे हैं, लेकिन ये बताइए आप क्या गारंटी लेते हैं आपकी सरकार आएगी यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा? सर सुनिए भाई, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने प्रचार किया कि मैं बाहर का हूँ, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मैं इसी गौतम बुद्ध नगर का, ये नहीं आज बना हूँ, मैं इस गौतम बुद्ध नगर का, मेरे मकान 47 सेक्टर में मेरी कोठी है, और मैं वोटिंग में वोट जो मेरी है वो गौतम बुद्ध नगर के नोएडा का वोटर हूँ, जेवर में मेरी पुश्तैनी ज़मीन है, एक नहीं झुप्पे में जेवर में 4-6 गाँव में मेरी ज़मीन है, मेरा ये क्षेत्र बहुत सटा हुआ लगता है मेरे क्षेत्र से,
कम से कम 50 किलोमीटर की सरहद मेरे साथ लगती है, और मैंने सोचा कि ये क्षेत्र में बड़े बड़े विकास होगा और इन विकास के बदले में इन बच्चों को लाखों का रोज़गार मिलेगा, तो क्यों ना हम भी उसमें सहयोग करें। मैं एक भरोसा दे सकता हूँ, जहाँ भी मैं गया हूँ मैंने उस क्षेत्र को अपना परिवार समझकर उस क्षेत्र की सेवा की है। अगर एक बार जीतता आदमी दोबारा मौका नहीं मिलता, जनता इतनी भोली है लेकिन बेवकूफ़ नहीं है कि जो दोबारा मौका नहीं देती। मैं एक बार जीता, फिर मैं दो बार जीता लोकसभा, तीन बार जीता, फिर मैं चार बार मेरठ से जीता। एक बार नहीं, मैं उस क्षेत्र को अपना परिवार समझता हूँ, उस क्षेत्र के नौजवानों को रोज़गार का और उसके विकास के काम किए हैं मैंने फरीदाबाद, उसको देखकर लोग मुझे प्यार करते हैं। मैं आपको भरोसा देता हूँ पूरी मीडिया के सामने कि आज जिस तरह का यहाँ की बेरोज़गारी है, हालात ख़राब हैं, मैं यहाँ के रोज़गार, मेरी सरकार बनने के बाद, गठबंधन की सरकार बनने के बाद, यहाँ उन चीज़ों को मैं कह सकता हूँ, यहाँ के उद्योगों में, यहाँ के अथॉरिटीज़ में जब तक यहाँ के लोकल बच्चों को रोज़गार नहीं देगा, दूसरे को पैर नहीं रखने दूंगा। पहले मेरे बच्चों को रोज़गार मिलेगा, फिर सबका मिलेगा, सबका साझा है। मैं उनको दोस्ती से इस क्षेत्र के विकास के लिए, आ तो कुछ भी नहीं है ग्राउंड पर, कुछ नहीं है, आप देख लीजिए, जेवर क्षेत्र का नाम बहुत बड़ा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ जन का सपने इतने बड़े कुछ देगा, लेकिन है नहीं कुछ। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सरकार नेता माने जाते हैं। जी जी भैया, दादरी में भी जिस तरह गुर्जर सब को लेकर विवाद हुआ, आपने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आज के समय में जिले के अंदर अगर कोई सीट मानी जा रही है, जेवर विधानसभा मानी जा रही है, क्योंकि सबकी इस पर ही नजर है, क्योंकि वहाँ अवकाश बढ़ाना चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसमें जो यहाँ के लोग हैं, जो स्थानीय युवा हैं, गुर्जर समाज ही नहीं सारे समाज आपके साथ हैं, उनको आपकी सत्ता आने पर, मेरा एक सोच में आपकी सत्ता आने पर उन्हें आप क्या कैसे यकीन दिखाएंगे, कैसे भरोसा देंगे कि हम वास्तव में ही जेवर के साथ साथ अपने आसपास पश्चिम उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार देंगे? निश्चित तौर पर ठीक है, नहीं मानते काम करेंगे, ठीक है नहीं मानते। देखिए, अगर इंसान कोई भी प्रतिनिधि वो जनता के हित में काम सोचता करता है तो उसको रोक नहीं सकता, लेकिन वो निजी स्वार्थों में जब बिक जाता है या लालच का स्वार्थ में पड़ जाता है तो वो लोगों का ध्यान नहीं रख पाता है। मैंने सदैव लोगों के लिए मरा हूँ, लोगों के लिए जिया हूँ। मैं इस क्षेत्र में आपको भरोसा देता हूँ, अपने नौजवानों को, हर वर्ग को, हर समुदाय को, कि इस क्षेत्र का विकास करूँगा, रोज़गार के इंतजाम करूँगा और जो जुल्म जाति है उन्हें रोकने का काम करूँगा। नहीं, मैं अपमान और मेरे समाज को, क्षेत्र को, देश को, अगर कोई लीडर, मैं चार बार कांग्रेस का एमपी रहा हूँ, चार बार, एक बार नहीं चार बार, लेकिन अगर किसी मेरे किसी सीएम ने या किसी नेता ने, सेंट्रल मिनिस्टर ने मेरे क्षेत्र के लोगों का इग्नोर किया तो उनके छाती पे खड़ा होकर लड़ा हूँ मैं, वो हूँ मैं, इस अखिलेश गठबंधन सरकार की छाती पे खड़ा होकर मांगूंगा कि मेरे लोगों के विकास चाहिए, लोगों का साथ चाहिए।